गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे हैं। आप सभी को स्वागत है तुषी शाहानी ब्लॉग पे। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना। तो सुबह हो गया है, अभी सुबह का बजता होगा लगभग 7:30। और सुबह से बहुत ज़्यादा कुहासा है, अंधेरा था, तो अभी से जस्ट स्टार्ट किए हैं। सुबह का चाय वगैरह हो गया है। मम्मी आज आंगन पर पहले की तरह, जैसे आज भी सुबह आंगन में मम्मी झाड़ू वगैरह लगा दी है, तो हम चाय वगैरह बना के सबको दिए थे। उसके बाद नाश्ता तो आज हुआ नहीं है, बस चाय के साथ बिस्किट और पूरी था रात का वो। और अभी चढ़ा रहे हैं भात, क्योंकि आज है सोमवार और हस्बैंड जाते हैं सोमवार 11 बजे, तो वो नाश्ता नहीं करते हैं, एक बार सुबह खा के चले जाते हैं। तो आप लोग सब बताइए कि साल का पहला दिन आप लोगों का कैसा गया है। मेरा तो उतना खास नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था और ठंड में करके लोग एंजॉय कर भी कह सकते हैं। ठंड तो हद से ज़्यादा हो गया है जनवरी में, दिसंबर पर नहीं था, पर जनवरी घुसते ही ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नए साल ठंडी लेके आया है। तो देखो चावल धो रहे हैं और पानी भी हम चढ़ा देंगे आंधन के लिए। तो सोच ही रहे थे, वो आ गए तो हम उनको ही बोल देते हैं कि जाके पानी चढ़ा दीजिए आप, तब तक हम चावल धो के ले जाते हैं। राशन का चावल है ना, तो थोड़ा अच्छे से ही धोना पड़ता है, थोड़ा डस्ट वगैरह भी रहता है, तो इसीलिए फटक लिए हैं। और उसके बाद 2-3-4 पानी से अच्छे से धो देते हैं, उसके बाद डालेंगे पानी पे। तो इनको दे देते हैं, तब तक ही पानी गर्म चढ़ा देंगे। चावल भी हमारा धोना हो गया है और हमारे ट्यूबवेल का जो साइड पे इतना पिछल हो जाता है ना, पानी छिटक छिटक के डर भी लगता है उठने में और उतरने में। और जब तक खुद का पैसा नहीं आता है ना, तब तक कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड का जो भी कमाई होता है ना, घर के खर्च में सारे खर्च हो जाते हैं, जो थोड़ा बहुत बचता है। तो बच्चे हैं छोटे, उसके पढ़ाई है, या फिर मेरे भी हमेशा तबीयत ख़राब होता है इस दिनों, तो सब में भी खर्च हो जाता है। तो एक्स्ट्रा जो कुछ सोचते हैं ना करने के लिए, तो नहीं कर पाते हैं। तो बस यही उम्मीद लेके मेहनत करते जा रहे हैं, कभी ना कभी तो YouTube पे सक्सेस मिलेगा, या फिर आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। मिलता तो है थोड़ा बहुत, पर मुझे ढेर सारा आप लोगों का प्यार चाहिए। तो इसीलिए बोलते हैं, एक शेयर भी कर दिया है, कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि मेरा फैमिली मेम्बर और भी बढ़े और छोटे छोटे जो आशा हैं, छोटे छोटे जो उम्मीदें हैं, ज़रूरतें हैं, वो हम पूरी कर सकें। चलो ऊपर वाले पे तो भरोसा है, एक ना एक दिन तो पूरा ज़रूर होगा। तो हम और मम्मी चाय पी लिए थे सुबह में और हस्बैंड सो रहे थे, तो लेट से उठ के ब्रश किए हैं, उनके लिए भी हम चाय कर दे रहे हैं गरम, उनको देते आएंगे। वो किट्टू को भी हॉर्लिक्स दे दिए हैं, पिला रहे हैं बैठ के। चाय गरम है बहुत ज्यादा, ऊपर पकड़ो। हाँ अभी ठंडी इतना है कि हाथ इतना कम होना कहता, जल्दी हाथ निकलने वाला है। ठंडा अच्छा, रुको रुको। हाँ दूध ठंडा ही है, पीने लायक है, पी लो ठंडा ही। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। अभी हो रहा है सुबह का 8:30 और आज है सोमवार 2 जनवरी। तो सुबह से लग गए हैं काम पे। सुबह में इतना ज़्यादा कुहासा था ना, पूरा अंधेरा अंधेरा था, अभी दिख रहा है, दिख नहीं रहा है ना, धुला धुला सा। तो इसीलिए सुबह से स्टार्ट नहीं किया है, सुबह का सारा काम कुछ कर लिए थे। बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा इतना कुहासा है कि बाहर में बारिश जैसा गिर रहा है, टिप 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 टिप, इसीलिए बाहर भी थोड़ा सा कम रह रहे हैं। और हमारे घर पे मतलब सुबह उठना मतलब घर से बाहर निकलना ही है, चाहे धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, ठंडा हो, अब कुहासा हो। तो बाहर पर बारिश जैसे टिप टिप गिर रहा है, तो अंदर है अभी, बाहर ऐसे कोई नहीं है। और घर का जो साइड का पन्नी है ना, ये सब भी नहीं समेटा गया है, तो इसका भी हम किचन का गेट लगा देते हैं। और अभी तो भात चढ़ा दिए हैं, चाय गर्म करके दे दिए हैं, किट्टू को हॉर्लिक्स घोल के दे दिए हैं, अभी बाकी है चिकन बनाना। कल रात में चिकन लेके आए थे, बोले थे ना अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे शाम से ही, पर चिकन लाए हैं तो क्या हो गया, बना नहीं था। दोपहर का भात था, अंडा था, तो अंडा उनका आने में लेट हो रहा था, तो हमने अंडा का करी बना लिया था। फिर भात तो रात में कुछ नहीं बना था, जो आया था ना उसको हम भाज के रख दिए थे। तो अभी इसको बनाएंगे, भात तो चढ़ा दिया, मसाला कर लेते हैं, फिर चढ़ाएंगे चिकन बिहारी स्टाइल का। चलो देखते रहो आप लोग भी साथ में, थोड़ा सा मसाला छीले हैं।
शाम में ही, और थोड़ा सा छील लेते हैं। मसाला अब रेडी कर रहे हैं। इस पे हम दिए हैं गोलकी और जीरा, भुने नहीं है ऐसे ही कच्चा डाल दिया। यहाँ पे आधी लहसुन मतलब अदरक लहसुन और प्याज धो के डाल देंगे, पीसने के लिए देंगे हस्बैंड को, वही पीस देंगे। अंदर हम नहीं जाएंगे अब, बाहर अंदर करके ना बहुत ज़्यादा कपकपा रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है। रेडी करके दे देंगे, वो पीस देते हैं बोलने के बाद साथ साथ। तो देखो हम सारा कुछ रेडी कर दिए थे, तो मम्मी बोली कि हम चिकन बना लेते हैं, तो बोले ठीक है आप ही बनाइए। वैसे ही मम्मी का हाथ का चिकन बहुत टेस्टी होता है, और ये लोग बहुत सालों से कई सालों से बनाते आ रहे हैं, और एक तो माँ का प्यार भी साथ में ऐड हो जाता है, तो बहुत लाजवाब तो होगा ही, टेस्टी तो होगा ही। तो मम्मी बना रही है, तो देखो किस तरीके से बिहारी चिकन बनता है। कभी कभी ना खुद को बहुत किस्मत वाली फील होता है, क्योंकि इतना प्यारा ससुराल, सच में किस्मत वाली को ही मिलता होगा, जहाँ पे इतनी प्यारी सासू माँ, इतने प्यारे हस्बैंड मिलते हैं, जो बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं, अपनापन भी है, और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो देखो मम्मी बना रही है, ठंड भी है, साथ में हाथ भी सेक ले रही है। तो मसाला पिसकर हस्बैंड ला दिए थे, उस पर हम दिए हैं नमक, हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, और हल्का सा धनिया पाउडर। तो ये जो हंडी पे निकाली है ना, एक किट्टू के लिए है। 6 पीस के चिकन है भुना हुआ, जिसपे मिर्ची नहीं था, और भाजा हुआ प्याज, भुना हुआ प्याज उस पर दे रही है। मसाले भी हम दे देंगे कच्चा वाला, उसको अलग से बना लेंगे, किट्टू झाल नहीं खाता है। तो देखो प्याज भुना गया था, और बिहारी चिकन जो बनता है ना, उसमें एक खासियत है कि उसमें आलू नहीं डलता है, और जो बंगाल में बनता है ना, वहाँ पर आलू डलता ही है। प्याज लाल हो गया था, उसके बाद मम्मी मसाला डाल दिया है, जो मसाला का जो होता है ना मिक्सचर, उसको धो के थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और मसाला तो खूब भुनाता है, खूब, जब तक ना एकदम ब्राउन होके तेल छोड़ देता है। देखो किस तरीके से ब्राउन हुआ है और एकदम तेल छोड़ दिया है। तो उसके बाद जो भुना हुआ चिकन था वो डाल दिया है, और उसके बाद इसको बहुत ज़्यादा भुनना है, एकदम लाल लाल हो जाएगा। उसके बाद इसमें डालेगी टमाटर, तो टमाटर हम ला के मम्मी को धो के देते हैं। मम्मी काटेगी अभी, देखो किस तरीके से एकदम टेस्टी, स्मेल भी बहुत बढ़िया आ रहा था, और मम्मी छुरी से बहुत आसानी से काट लेती है, पर मेरे से नहीं होता है, पर हम बैठे में एक्सपर्ट है, कुछ भी कर लेते हैं एकदम जल्दी से, छुरी से नहीं होता है मेरे से, मम्मी कर लेती है बैठी से, ऐसा नहीं कि करती नहीं है, पर छुरी में ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो टमाटर 2 पीस इस पर डलेगा, एक छोटा वाला किट्टू के सब्जी पे डलेगा, और देखो यहाँ पे एकदम रेड तरीके से भुना गया है। तो भुनने के बाद मम्मी डाल दी थी पानी, मम्मी पानी डाल के बाहर चली गई है, हम अब बैठे हैं, किट्टू का थोड़ा सा सब्जी बनाना है, और इसको बोल के गई मम्मी कि थोड़ा सा उबाल आ जाए, थोड़ा सा जो झोल है वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद बंद कर देना है। तो फाइनल लुक आपको दिखाते हैं, अब दिखाते हैं आपको किट्टू का सब्जी जो बंगाली स्टाइल बन रहा है, आलू टमेटो मसाला और चिकन। देखें इसमें मिर्ची नहीं है, तो इसका रेड कलर तो आएगा नहीं, येलो ही रहेगा। और छोटे बच्चों को ऐसे भी स्पाइसी नहीं देना चाहिए, ऐसे भी वो पसंद ही नहीं करता है, खाता भी नहीं है। तो बताना आज मम्मी का जो बिहारी स्टाइल चिकन बना है आप लोगों को कैसा लगा। ये देखो फाइनल लुक, वाह क्या मस्त कलर आया है, एकदम बढ़िया वाला, एकदम रेड देख के ही मुँह में पानी आ जाए। साढ़े 10 हो गया है, खाना दे देते हैं उनको। तो आज टाइम मिला है कि तीनों एक साथ बैठ के खाएं, क्योंकि सुबह के टाइम पे वो चले जाते हैं, तो मम्मा और बेटू मतलब महम और किट्टू एक ही साथ ही खाते हैं, और हस्बैंड तो रहते नहीं हैं। तो एक प्यारा सा चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अभी तो ये मेरे लिए बहुत कम ही होता है, शादी के बाद ना ये हमेशा होता था, उनका पहला निवाला मेरे लिए ही होता था, और अभी किट्टू होने के बाद ये उतना होता नहीं है, क्योंकि किट्टू को लेकर ही हम दोनों बिजी रहते हैं। तो चलो जैसे भी हो, लाइफ में प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ पार्टनर के बीच, और केयर, और सबसे ज़्यादा होता है जो विश्वास, उसके ऊपर ही बहुत रिश्ता बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो चलो जो भी हो, खाना बहुत टेस्टी बना था, मम्मी बहुत अच्छे बनाई थी, खाना थोड़ा सा खा लिए हम, ज़्यादा नहीं खा पाए, बस मिर्ची देके खाए हैं, क्योंकि झाल मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल।
किट्टू का भी तो हैंड ग्लव्स है। हैं? अरे किट्टू का भी तो हैंड ग्लव्स। सुसु बारिश तो जैसे हल्का सा बांधो, खाली हल्का सा बांध दो। हल्का सा करने गए थे। डबल में बांधो। यही तो। ऐसे ही ना। हाँ हाँ। किट्टू। कौन आ गया? ठंडा कैसा है? आ स्कूल एक पहने हो? दो है ना। भी हो रहा है इस रे का ग्यारह। माओवादी है हमारे घर का। माओवादी नहीं ऐसी मजाक। सच में जब मासूम घुसा है चौक गलती है तो उसके बाद इसका ड्रेस देख के पता चला कि मासूम है। इनका भी टाइम हो गया है, 11 बज गया, अभी तक धूप भी नहीं निकला है। बच्चे लोग अपनी बॉडी का खून गर्म करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। सुबह से ना मेरा हाथ गर्म नहीं हुआ है बेबी। मुझे एक गैस का टैबलेट ला के दो, पानी भी। ऐसे लोग 300 पानी भी चाहिए। अच्छा है पानी। छोटे से ग्लास में हो जाएगा आपका? मेरा तो एक घट में हो जाएगा। इतने छोटकुशा। गर्मा गर्म पानी निकल रहा है टेबल से। दवाई कैसे खाते हो? पहले दवाई, लास्ट में दवाई। ग्लास भीग जाएगा आपका। मूली उठाओगे खाओगे ना क्या आप? नहीं बाबा। हाँ वो ना मूली ना बढ़ रहा है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ भागे आ रहा है वो वाला ना। हाँ नीचे से ऊपर की तरफ भागे आ रहा है, तो पहले बहुत छोटा सा निकला हुआ था। यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक। देखिए 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 क्या बन रहा है, हार्ट। बाय 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 बाय। हाँ किट्टू बाय बाय। हाँ बाय 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 बाय। अब हो गया। चलो आजा आजा अंदर आजा। बेटू बेटू डैफोडिल जिनिया, यहाँ देखो जिनिया, कॉस्मोस, मोगरा, पॉपी, मॉर्निंग ग्लोरी, यहाँ देखो मॉर्निंग ग्लोरी, पैंसी। किट्टू को भी हम पढ़ा लिए हैं क्योंकि शाम के टाइम वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है और ठंडी के टाइम पे ना उतने छोटे बच्चे को ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट काम रहता है मेरे दिन का। जिस टाइम भी टाइम मिलता है उसको हम पढ़ा लेते हैं। तो बहुत दिनों से ना मन कर रहा था कि किट्टू का जो पुराना वाला बोतल है ना, बोतल तो अच्छा है, अंदर का स्ट्रॉ ना वो काला काला हो गया था, तो उसकी वजह से बोतल हम उसका यूज नहीं करते थे, तो उसका स्ट्रॉ निकाल के फेंक दिए हैं बोतल, जबकि अच्छा है। तो हम सोचे क्यों ना इस पर ना इंडोर प्लांट होता है, मनी प्लांट, जो जहाँ पे बर्तन धोते हैं ना उसके नीचे में हुआ पड़ा है, गमला भी रखा हुआ है,
तो मिट्टी में हो रहा था, तो बहुत प्यारा भी लग रहा था। हम सोचे क्यों ना उसको घर के अंदर लगाया जाए। तो एक नए साल का एक नया डिसीजन है, कुछ अलग सा, पता नहीं कैसा लगेगा नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी घर पे सजाते हैं तो उनका खिड़की बहुत अच्छा होता है और पक्के का स्टैंड वाला होता है, जो कोई भी टब वगैरह रख सकते हैं या फिर रेलिंग लगा रहता है, ग्रिल वगैरह जिस पे लटका सकते हैं। मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम सोचे क्यों ना ताका में करके लगाएंगे बोतल पे रख के। अभी जस्ट पानी में रखेंगे क्योंकि ये पानी वाला ही होता है, पानी पे भी होता है। और जब घर पे कोकोपीट आ जाएगा ना नारियल का वो छिलका वाला, तो तब वो दे देंगे। तो देखते हैं कब तक मतलब जिंदा रहता है पानी में। पानी वैसे चेंज करेंगे हफ्ते में। किट्टू को सुला के कर रहे थे एडिट, किट्टू उठ गया तो उसको, अच्छा तो उसको भी साथ में लेके वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो गाइस ये मेरा न्यू साल का नया एक डिसीजन है, आप लोगों से बस राय चाहिए क्या इसे घर पे रखना चाहिए या नहीं। आर्टिफिशियल तो लोग रखते हैं ऐसे बेड के साइड में लटका के, पर देखते हैं कि कैसा लगता है। चलो अंदर लेके चलते हैं इसको और देखते हैं ये कैसा लगता है। बहुत आराम आराम से इसका जो जड़ वगैरह है ना बोतल का, स्ट्रॉ के जो होल था ना उसके अंदर घुसा दिए हैं। और शायद 3-4 दिन में एक दिन हम पानी चेंज कर देंगे, जैसे भी करेंगे आप लोगों को तो दिखाएंगे। और आप लोग बताना ये डिसीजन मेरा कैसा है, अच्छा है तो ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगे तो फिर चेंज कर देंगे या फिर बाहर ही कहीं रख देंगे। और ऐसे हस्बैंड आते हैं तो उनको भी दिखाते हैं, पूछते हैं उनका भी डिसीजन कि रखना चाहिए या नहीं घर के अंदर। ऐसे बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलो फ्रेंड्स यहीं पे आज का ब्लॉग एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आसपास के सारे लोगों को खुशियाँ बांटिए सबके साथ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।